कल अमरिंदर सिंह ने विधानसभा च जो मता पास करवाया उस करके कल पंजाब दी राजनीति लई काला दिन सी। यह बोल ने बीजेपी पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा दे जो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर वालों सीएए दे विरोध पास करवाए प्रस्ताव नू लेके कहे। कल मुझे लगता है कि अमरिंदर सिंह जी ने जो विधानसभा में मता पास करवाया है पंजाब की राजनीति के लिए काला दिन था। एक तरफ ननकाना साहब भूल गए, वो चार पांच दिन पहले ही जिस प्रकार का गुरुद्वारा साहब के ऊपर पथराव हुआ और जो लोग धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हैं पाकिस्तान में, चाहे वो सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर भारत में नहीं वो आएंगे तो कहाँ जाएंगे और कहाँ उनको नागरिकता मिलेगी? और दूसरी बात है, देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि ये कानून एक छोटा सा संशोधन है जो कि नागरिकता देता है, नागरिकता लेता नहीं है। जनाब, एक वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अकाली दल से अलग होकर 2022 में चुनाव लड़े। उसके ऊपर हमने कल बात बताया मीडिया को भी, कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं का इजहार किया है, पार्टी में भी उसका विचार होगा और सहयोगी दल के साथ। बीते कल भाजपा वालों सीएए दे समर्थन च पठानकोट च एक मोटरसाइकिल रैली कढ़ी गई जिथे भाजपा दे उच्च कोटि दे लीडर अते वर्कर मौजूद रहे। इस रैली विच बच्चियां ने भी भाग लिया। देखो साबका मंत्री मास्टर मोहन लाल का बयान आया सी कि बीजेपी नू पंजाब च अपने दम ते चोणां लड़नियां चाहीदियां ने, ना के अकाली दल का सहारा लेके। जिस तों बाद अंदाजे लगाए जा रहे सी कि शायद आने वाली चोणां च अकाली दल ते भाजपा अलग अलग मैदान च उतर सकदियां ने। हुण जदों इस बाबत मोहन लाल नू मुड़ सवाल किया गया ताहो अपने पक्ष का विस्तार करते नजर आए। गल है जी कि मेरा वो व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। मैं ते अपने कार्यकर्ता की नब्ज जी है ना जी अपने लीडर के सामने रखी है कि हिमाचल से जिथे तीन आदमी तीन MLA तो असं कदे कोई उपर नहीं उपरे, किशोरी लाल दौलत राम ते शांता कुमार, असी उत्थे बड़ी सफलतापूर्वक सरकार चलाई है। हरियाणे च असी चार आदमियों तो कदे अगे नहीं बधे, असी उत्थे सरकार बना ली है। जम्मू कश्मीर जिथे साडा कोई आधार ही नहीं सीगा, असी उत्थे सरकार बना ली है। ते पंजाब च की गल है, पंजाब च क्यों सरकार नहीं बनाती बीजेपी भारतीय जनता पार्टी? मैं तो यह गल कही है, पार्टी ने फैसला करना है कि भई असी अकालियों नाल रहना है कि नहीं रहना है, ये उन्हें नीतिगत फैसले हैं। पर मेरा निजी मत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्र तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।